फ्रांस देश एक बड़े जंग की तैयारी कर रहा है। क्या ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो सकती है? कायर मत बनो, हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां पर अगर हमें शांति चाहिए तो हमें जंग के लिए तैयार होना ही होगा। 15 मार्च 2024 को फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन ने एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने यूक्रेन के सभी एलाइज को ये चेतावनी दी कि रशिया यूक्रेन को हराने के बाद भी शांत नहीं बैठने वाला है और इसीलिए यूक्रेन के बाद अब बाकी के EU नेशंस को भी जंग के लिए तैयार रहना होगा। और अगर आप देखोगे तो वाकई में ऐसा लग रहा है कि फ्रांस एक जंग के लिए तैयार हो रहा है। इनफैक्ट हाल ही में फ्रांस ने अपना मिलिट्री बजट भी सीधा 40% से बढ़ा दिया है। बार बार फ्रांस रशिया को मिर्ची लगाने के लिए धमकियां भी दे रहा है कि हम अपने ट्रूप्स को यूक्रेन में डिप्लॉय कर देंगे। अब एक तरफ जहां पर फ्रांस रशिया के खिलाफ काफी एग्रेसिव हो रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ रशिया भी चुप बैठने वालों में से थोड़ी ना है। रशिया ने सारे यूरोपियन नेशंस को एक ओपन थ्रेट दे दिया है कि अगर फ्रेंच ट्रूप्स ने यूक्रेन में कदम भी रखा तो फ्रांस में वापस सिर्फ लाशें ही पहुंचेंगी। उन्होंने फ्रांस को चिढ़ाते हुए यह भी कहा कि फ्रेंच ट्रूप्स का भी वही हाल होगा जो नेपोलियन आर्मी का हुआ था। सो मामला काइंड ऑफ काफी सीरियस तो लग रहा है। सो क्या इसका मतलब एक जंग होने वाली है और क्या इसका मतलब वर्ल्ड वॉर 3 ट्रिगर हो सकता है इसके वजह से? क्योंकि अगर फ्रांस जंग में कूदा तो नेटो मेंबर होने के नाते 30 और देश इस वॉर में कूद पड़ेंगे और ऐसा होते ही वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगा। एक बड़े कंट्री का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वॉर में कूदना अक्सर एक बड़ा वॉर ट्रिगर करता है। और अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम इस सिचुएशन को देखें तो इंडिया के लिए ये एक बहुत ही दुविधा वाली बात हो जाएगी बिकॉज दोनों भी कंट्रीज इंडिया के स्ट्रॉन्ग एलाइज हैं। ऑल्सो जरा वेट, ये रशिया यूक्रेन वॉर तो कई सालों से चलते आ रहा है ना, तो अब जाके फ्रांस क्यों रशिया को टारगेट कर रहा है जबकि फ्रांस और रशिया तो अब तक एक दूसरे के एलाइज यानी कि अच्छे खासे दोस्त थे। मतलब कैन यू बिलीव दिस कि रशिया यूक्रेन वॉर जब पीक पर था तब मैक्रॉन ने यह स्टेटमेंट पास किया था कि अगर रशिया यूक्रेन पर न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिरा दे तब भी फ्रांस रशिया पर हमला नहीं करेगा। French President Emmanuel Macron has just said that his country will not strike Russia even if Moscow uses tactical nuclear weapons against Ukraine. In fact, Macron ne khud Russia jaakar Putin se baat karke jang tak rokne ki koshish ki thi. And overall bhi in dono desh ke rishte kafi acche hain. So my question obviously is, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि फ्रांस एकदम से रशिया के साथ एक जंग छेड़ना चाहता है? कैसे इन दोनों ही देशों के रिश्तों में ये खटास आ पड़ी? Well, the fact of the matter is, इस झगड़े का रशिया यूक्रेन वॉर से कोई भी लेना देना नहीं है। फ्रांस और रशिया के बीच ये जंग तो फ्रांस से हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका के लिए हो रही है क्योंकि ये दोनों भी देश अफ्रीका को अपनी कॉलोनी बनाना चाहते हैं। Now I know this will come out as a shock for many, but yes, ये एक सच बात है and let me prove this to you. So आज 2024 में हम सब ने यही सीखा है कि कोई भी देश किसी दूसरी देश की गुलामी नहीं कर रहा है। जैसे इंडिया 1947 में आजाद हुआ था वैसे ही आज लगभग हर कोई देश आजाद है, लेकिन what if I tell you ये सिर्फ आधी ही सच्चाई है। ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देख रहे हो, इनमें से ये सारे 14 देश आज भी एक दूसरे देश फ्रांस के कॉलोनीज है। Yes, फ्रांस आज भी इन्हें कंट्रोल कर रहा है। अब आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है? Well, ये समझने के लिए ना हमें आज से 64 years पहले 1960s के दौर में जाना होगा। वो दौर जब इन सारे 14 देशों को फ्रांस से आजादी तो मिली लेकिन सिर्फ नाम की आजादी। सो 1830 से 1960 तक यानी कि पूरे 130 सालों तक फ्रांस ने इन 14 कंट्रीज पर अपना कब्जा जमाया था, लेकिन फिर जब 1960s में फ्रांस ने फाइनली इन नेशंस को आजादी दी तब बड़े ही स्मार्टली फ्रांस ने इन कंट्रीज से कई कंट्रोवर्शियल एग्रीमेंट साइन करवाए। बेसिकली फ्रांस इन नेशंस को आजादी देकर भी इन्हें स्ट्रेटेजिकली अपना पपेट बनाकर रखना चाहता था और ये करने के लिए उन्होंने कई ऐसे एग्रीमेंट साइन करवाए जिससे लीगली इन नेशंस की इकोनॉमी, मिलिट्री, इनके रिसोर्सेस और यहां तक कि इनकी गवर्नमेंट तक का कंट्रोल फ्रांस के ही कंट्रोल में आ जाए। सो सबसे पहले समझते हैं कि फ्रांस कैसे इन अफ्रीकन नेशंस का पैसा कंट्रोल कर रहा है। लेकिन वो समझने से पहले एक मिनट में आपको एक ऐसी काम की चीज के बारे में बताना चाहता हूं जिससे आप डायरेक्टली अपने इंडस्ट्री के टॉप प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्शंस बना सकते हो, नेटवर्किंग कर सकते हो, नेक्स्ट लेवल। देखो फिलहाल जॉब सर्चिंग के लिए हम जो कन्वेंशनल पोर्टल्स यूज करते हैं ना उसमें कई सारे जेनेरिक प्रोफाइल्स के बीच आप
आपका प्रोफाइल स्टैंड आउट होना इज वेरी हार्ड। प्लस यहाँ पर काफी सारे स्पैम जॉब्स होते हैं जहां पर अप्लाई करके आपका सिर्फ टाइम वेस्ट ही होना है। और फिर इन साइट्स में आप हायरिंग मैनेजर्स को डायरेक्टली मैसेज भी नहीं कर सकते हो। बट नेक्स्ट लेवल ने इसी इंडस्ट्री को कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर दिया है विद देयर न्यू AI पावर्ड इकोसिस्टम एंड प्रोसेस, जो आपको विजुअली अपीलिंग प्रोफाइल बनाने में हेल्प करता है और साथ ही यूजर्स को परफेक्ट जॉब्स के साथ मैच भी कराता है। यहाँ पर आपकी विजिबिलिटी टू रिक्रूटर्स 10x बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप पहले तो डायरेक्टली कॉल या चैट कर सकते हो रिक्रूटर्स के साथ और पीयर्स के साथ भी कनेक्शंस बनाकर नेटवर्किंग कर सकते हो। दूसरी बात, इनके अमेजिंग कूडोस फीचर के थ्रू आप एक दूसरे को अप्रिशिएट भी कर सकते हो। नेक्स्ट लेवल पर 3000 प्लस एक्टिव जॉब लिस्टिंग्स है फॉर टेक एंड नॉन टेक रिलेटेड रोल्स, सो डेफिनेटली कंसिडर चेकिंग इट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन आज तक 2024 तक हालत कुछ ऐसी है कि इन देशों में CFA फ्रैंक करेंसी चलती है, क्योंकि 1960 से ही फ्रांस ने इन देशों पर लागू की हुई है और आज भी ये करेंसी फ्रांस कंट्रोल्ड बैंक से ही सप्लाई होती है। मतलब जरा सोचो कैसा होता अगर ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी आज इंडिया में UK कंट्रोल्ड इंडियन पाउंड्स की प्रिंटिंग चालू होती। दूसरी बात, जैसे इंडिया अपना पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में स्टोर करती है, उसी तरह सारे अफ्रीकन देश अपने रिजर्व्स को कैमरून में मौजूद सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट बैंक में स्टोर करते हैं, जिसका पूरा का पूरा कंट्रोल फ्रांस के हाथों में है। यानी कि करेंसी की प्रिंटिंग और इनफैक्ट इनकी करेंसी की फेस वैल्यू तक फ्रांस ही डिसाइड करता है। भाई इन देशों की हालत इतनी बुरी है कि मेल और गार्जियन द्वारा पब्लिश्ड इस रिपोर्ट के हिसाब से तो अगर इन्हें अपने रिजर्व से अपने खुद के पैसे भी लेने होते हैं ना, तो फ्रांस उन्हें ये पैसे लोन पर देता है, जिसको रिपे करने के चक्कर में उनके देश का मान लो 85% तक पैसा सीधे फ्रांस को एज लोन रिपेमेंट चला जाता है। और ये सभी बातें ट्रस्ट मी आज शायद ही किसी को पता होगा। इनफैक्ट आई वुड से ये यूरोप का एक वन ऑफ द बेस्ट केप्ट सीक्रेट है, और इस पर हमने कुछ महीनों पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर बाद में जाकर क्लिक करके देख सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनकी मिलिट्री के बारे में। इन 14 देशों में आर्मीज तो है, लेकिन सबके टॉप मिलिट्री जनरल्स पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल फ्रांस का ही होता है। इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के जीन बिडेल बोकासा, जिसको फ्रांस ने पहले मिलिट्री जनरल बनाया और फिर डायरेक्ट प्रेसिडेंट बना दिया, क्योंकि वो प्रो फ्रेंच था। इवन इन 13 देशों में से हर एक देश में 1000 से 1500 फ्रेंच मिलिट्री ट्रूप्स हमेशा के लिए यहां पर डिप्लॉयड रहते हैं, और उनके बकायदा 21 बेसिस तक इन अफ्रीकन कंट्रीज में है, जहां से वो इन देशों को पूरा अपने कंट्रोल में रखते हैं। एंड नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट एक्सप्लॉइटिंग अफ्रीकन रिसोर्सेस, सो इन देशों में आप देखोगे तो कोल, गोल्ड, यूरेनियम, डायमंड जैसे कई सारे रेयर अर्थ मिनरल्स के माइंस हैं, विच कैन फेच हेफ्टी मनी। सो इसी को लेवरेज करने के लिए ये सारे फ्रेंच ट्रूप मोस्टली इन माइंस के अराउंड डिप्लॉयड होते हैं, ताकि वो इन्हें गार्ड कर सके। और इन्हीं माइंस के आसपास ही तो फ्रेंच कंपनीज भी बसी होती है, जो कि इन मिनरल्स को प्रोसेस करती है और डायरेक्टली फिनिश गुड फ्रांस भेज देती है, जहां से फ्रांस इन्हें दुनिया भर में एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट अपने देश में कमाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ मेगा जायंट कंपनीज है जो ये कामों के लिए इन फेमस है। अब इस सबके अलावा भी, वैसे तो फ्रांस ने कॉलोनाइजेशन पॉलिसी पर रोक लगा के रखी है साइन करके, लेकिन आज भी फ्रांस अफ्रीकन कंट्रीज पे कॉलोनियल टैक्स लगाकर $500 बिलियन कलेक्ट करता है। $500 बिलियन, ये लिटरली श्रीलंका जैसे कंट्री के GDP से 6 गुना ज्यादा है, और ये सब कुछ सिर्फ इस नाम पर कि फ्रांस अफ्रीका को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब ये चीज काइंड ऑफ कुछ ऐसी हुई जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडियन किंगडम से सब्सिडियरी अलायंस साइन करते थे और उस राजा को गुलाम बना के उसके कोर्ट में अपने ऑफिसर और अपने आर्मी को डिप्लॉय करके उससे ही पैसे लूटा करते थे। हर साल फ्रांस सिर्फ CFA फ्रैंक एक्सचेंज रेट की वजह से 86,000 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट कमाता है। इसके अलावा फ्रांस की इलेक्ट्रिसिटी भी 70% डिपेंडेंट है अफ्रीका से आने वाले यूरेनियम पे। फ्रांस मेजरली न्यूक्लियर पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जो अफ्रीका से आने वाले यूरेनियम पर ही चलती है। मतलब सीधा हिसाब है, अगर अफ्रीका का कंट्रोल छूटता है तो फ्रांस का पावर सप्लाई भी एकदम से थप पड़ जाएगा। लेकिन अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर, आज के जमाने में ये इतना सब कुछ कैसे हो रहा है, इन देशों में कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? So, यहां पर सच्चाई कुछ ऐसी है ना कि फ्रांस ने बड़े ही स्ट्रेटेजिकली इन देशों की गवर्नमेंट को भी अपने कंट्रोल में लेकर पपेट गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश करके रखा हुआ है। इसका बेस्ट एग्जांपल है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के लीडर मोबुटो सेसे सिको, जो कि कॉन्गो का एक डिक्टेटर था।
मोबुटू ने अपने देश के इतने सारे कॉपर, गोल्ड और डायमंड माइंस सब कुछ फ्रांस को बेच दिए और उससे मिले पैसों का इस्तेमाल करके उसने अपने रेजिम को सपोर्ट किया। आज उसके पास इतनी संपत्ति है कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में मोबुटू ने $5 बिलियन की अपनी नेटवर्थ को छुपा के रखा है, जबकि इस पूरे दौर में जब वो अपनी तिजोरी भर रहा था उसका देश गरीब से गरीब होते जा रहा था। और आज भी इवन कोई भी मॉडर्न स्टैंडर्ड से कॉन्गो वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड में आता है। एंड जस्ट लाइक मोबुटू, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, माली, गिनी जैसे देशों के भी लीडर्स फ्रांस के पपेट्स ही रहे। इनफैक्ट इनकी पार्टीज के पॉलिटिकल ऑफिस तक फ्रांस में ही लोकेटेड है। मतलब आप ही जरा सोचो कितना फनी होगा अगर बीजेपी का हेड ऑफिस दिल्ली में नहीं बल्कि लंदन में स्थित होता और वो वहीं से इंडिया को चला रहे होते। क्या इसे असली आजादी कोई भी मायने में कहा जा सकता है? सो बेसिकली आपको गेम समझ में आ रहा है। फ्रांस ने बड़े ही टैक्टफुली इन देशों में अपनी पपेट गवर्नमेंट्स को बना के रखा। उन गवर्नमेंट्स ने लोगों का भरोसा जीता और पावर गेन की, जिससे कोई भी अगर छोटे मोटे रिवोल्ट्स खड़े होते तो वो उन्हें दबा देते थे और बाकी के मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन पर बस यही प्रोपोगंडा चलाया कि उन्हें वाकई में आजादी मिल चुकी है। अब यस, डेफिनेटली किसी देश में कुछ फ्रीडम फाइटर जरूर होते हैं जो ये सारा इनजस्टिस देख रहे होते हैं और इसके खिलाफ रिवोल्ट रचते हैं, लेकिन फ्रांस की प्लानिंग उन लोगों से हमेशा एक कदम आगे रही और उसने हमेशा बाय फोर्स इन रिवोल्ट्स को दबा कर रखा। आप यहाँ पर गिनी देश का ही एग्जांपल ले लो। ये वो कंट्री है जिसने 1960s में आवाज उठाई और फ्रांस के अगेंस्ट जाकर अपनी कंट्री की करेंसी खुद रिलीज की, पर इसका पता चलते ही फ्रांस ने इनकी इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए इनके नकली करेंसी छापना शुरू कर दी और उन्हें उनके मार्केट में एकदम से पंप कर दिया। इससे ऑफ कोर्स एक झटके में इनकी इकोनॉमी बुरी तरीके से डीस्टेबलाइज हो गई और इन्फ्लेशन एकदम से शूट कर गया। यही नहीं, उन्होंने गिनी के तबके लीडर जिन्होंने ये पूरा एंटी फ्रेंच रेवोल्यूशन लीड किया था उनको भी मरवा दिया ताकि बाकियों को भी सबक मिले, उन्हें एक मैसेज मिले कि दोबारा कोई भी देश फ्रांस के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत ना करे। अब यहां पर मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी से यह है कि फ्रांस तो इन देशों को पिछले 60 सालों से कंट्रोल करते आ रहा है, यह कोई आजकल की तो बात है नहीं, तो ऐसे कैसे हो रहा है कि पिछले 4 सालों से ही अचानक से इन सारे 14 देशों में एक एंटी फ्रांस वेव छुड़ चुका है? यस, आज स्थिति कुछ ऐसी आ गई है कि ये सारे देश मिलकर एकदम से अचानक से फ्रांस के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। साल 2022 में माली और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साल 2023 में बुर्किना फासो, नाइजर और चैड रिपब्लिक में एक के बाद एक एंटी फ्रांस प्रोटेस्ट और कूज छिड़ गए। सडनली इन सारे देशों की मिलिट्री गवर्नमेंट्स, जिन्हें वहां जुंटा गवर्नमेंट कहा जाता है, उन्होंने मिलकर अपने अपने देशों में से फ्रेंच कंट्रोल को ओवरथ्रो कर दिया, उनका कू करवा दिया और अपनी खुद की गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर दी। पर आखिर कैसे ये सारे देश एक साथ अचानक से रिवोल्ट कर सकते हैं? किसी का तो सपोर्ट उन्हें वहां पे मिला होगा, कोई तो होगा वहां पर जो इन्हें भड़का रहा है फ्रांस के खिलाफ। एंड वेल, इफ यू थिंक सो देन यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर आप थोड़ा भी गौर से इनके कुछ प्रोटेस्ट देखोगे ना, तो कई देशों का नारा है कि फ्रांस आउट रशिया इन। दरअसल रशिया ने जब ये देखा कि फ्रांस ने आजादी देने के बाद भी अफ्रीका को अपने ही कंट्रोल में रखा है और वहां की जनता सालों से इससे परेशान है, तो रशिया ने यहां पर इसे फ्रांस के खिलाफ एक अपॉर्चुनिटी के नजर से देखा। उन्होंने इन जैसे कई अफ्रीकन मीडिया आउटलेट्स के थ्रू अफ्रीकन लोगों में एक नैरेटिव फैलाना शुरू कर दिया। नैरेटिव कुछ ऐसा था कि अफ्रीकन्स को बताया गया कि उन्हें आजादी तो 60 साल पहले मिल चुकी है लेकिन आज भी वो फ्रांस के ही गुलाम बनकर बैठे हैं। उन्हें तो सिर्फ नाम की आजादी मिली है, उनके रिसोर्सेस को लूट कर वहां पर फ्रांस अमीर बनते जा रहा है, लेकिन वहीं पर आज अफ्रीका और अफ्रीकन देश दुनिया के सबसे पिछड़े इलाकों में आते हैं और इसीलिए उन्हें अपनी आजादी के लिए आज के तारीख में लड़ना होगा। अब यहां पर सिर्फ नैरेटिव के जरिए ही नहीं बल्कि रशिया ने इन सारे देशों को एक और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड किया, मिलिट्री सपोर्ट। तो देखो, रशिया ने ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीकों से यहां पर मदद की। अफ्रीका में दो टाइप की सरकार है, एक जो फ्रांस सपोर्टर है और दूसरी जिन्हें फ्रांस से अलग होना है। सो जिन देशों में सरकार फ्रांस के सपोर्ट में थी वहां पर उन्होंने आर्म्ड रिबेल्स को या फिर उस देश की मिलिट्री को वैगनर ग्रुप की मदद दी, यानी बेसिकली मैन पावर प्रोवाइड किया। वैगनर ग्रुप बेसिकली नाम के लिए रशिया की प्राइवेट आर्मी है, बट ये लोग काम पुतिन के ऑर्डर्स पर करते हैं और इस सपोर्ट के थ्रू उन्होंने रूलिंग सरकार का तख्ता ही पलट कर दिया। जैसे नाइजर में वैगनर ग्रुप ने आर्मी को सपोर्ट किया, राइवल्स के साथ वॉर लड़ा और उनके प्रेसिडेंट को ही जेल में डाल दिया। Presidents were put under house arrest and imprisoned. For the people here have arrested me. माली में भी सेम ही हुआ, वैगनर का सपोर्ट और फ्रेंच आर्मी सीधा बाहर। और ऐसे ही करके दूसरे भी देशों में भी,
जिस भी देश में वहां की सरकार फ्रांस से छुटकारा पाना चाहती थी, वहां पर भी उन्होंने वैगनर ग्रुप को भेजकर उसी एंटी फ्रांस सरकार को रिबेल्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दिया और आजादी दिलवाई। जैसे फॉर एग्जांपल सूडान में उन्होंने 2017 में ही ओमर अल बशीर की सरकार को प्रोटेक्शन दिया जो कि प्रो फ्रांस रिबेल ग्रुप से लड़ रही थी। सो डेफिनेटली फ्रांस को इन अफ्रीकन नेशन से एकदम से बाहर करने में, इन देशों में अचानक से एक एंटी फ्रांस रेवोल्यूशन स्टार्ट करने में एक बहुत बड़ा हाथ रशिया का है। क्योंकि एक और काफी वियर्ड पैटर्न देखा गया कि जहां पर भी ये कूप सक्सेसफुल हो रहे थे ना और प्रो फ्रांस गवर्नमेंट हटाकर प्रो रशियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो रही थी, तो उसके बाद वहां के मिलिट्री रूलर्स या प्रेसिडेंट्स पावर में आते ही सबसे पहले पुतिन के पास जाकर अपना अटेंडेंस लगवा रहे थे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर क्या है पता है? रशिया का ये नैरेटिव काम आया। खुद अफ्रीकन सिटीजंस फ्रांस को अपने देश से भगाना चाहते हैं। इनफैक्ट उन्होंने तो रशिया को भी काफी ज्यादा प्रेस किया। वहां की जनता पुतिन से काफी ज्यादा खुश है। अफ्रीका में तो लोग पुतिन की फोटोज और रशियन झंडे लहरा रहे हैं। बेसिकली रशिया की मदद को देखकर अफ्रीकन्स रशिया को भगवान मानने लगे। वहां की जनता में इन जनरल एक काफी प्रो रशिया सेंटिमेंट डेवलप हो चुका है। अब ये सब देखकर मे भी आपके दिमाग में ये सवाल है कि रशिया आखिर अफ्रीका की मदद क्यों करेगा। एंड एज यू ऑल नो जियोपॉलिटिक्स की लैंग्वेज में नथिंग इज परमानेंट, नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली वन थिंग इज परमानेंट, परमानेंट इंटरेस्ट्स। सो इस मदद के पीछे आखिर रशिया का खुद का क्या फायदा है? सो अब तक न्यूज मीडिया में बस यही नैरेटिव फैलाया गया कि रशिया यूक्रेन से इतनी लंबी वॉर इसीलिए लड़ पा रहा है क्योंकि उसे अपने ऑयल रिजर्व्स को बेचकर फंडिंग मिल रही है। आफ्टर ऑल रशिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस वर्ल्ड वाइड, राइट? लेकिन अगेन ये सिर्फ और सिर्फ आधी ही सच्चाई है। एक्चुअली में इन द मीनवाइल रशिया का एक और एक काफी तगड़ा फंडिंग सोर्स खड़ा हो चुका है जो है अफ्रीका। यहां पर हो ये रहा है कि अफ्रीका फ्रांस की गुलामी से निकलकर रशिया की गुलामी में फंस रहा है। देखो सच्चाई कुछ ऐसी है ना, रशिया को भी बिल्कुल वही फायदे अफ्रीका से मिल रहे हैं जो कि फ्रांस को मिल रहे थे। पहला, मिलिट्री कंट्रोल। क्योंकि वहां की सरकारों को आज रशिया ने इंस्टॉल किया तो अब वो सब रशिया पर डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं, यानी कि उसके पपेट बनते जा रहे हैं। अब तक इन 14 देशों में से इन 7 देशों में तो ऑलरेडी प्रो रशियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश भी हो चुकी है और बाकी के 7 देशों में भी ऑफ कोर्स इन प्रोसेस है। एंड यू नो व्हाट, सबसे बड़ी आयरनी ये है कि इस मिलिट्री प्रोटेक्शन के लिए उन गरीब अफ्रीकन देशों को हर महीने 6 बिलियन CFA फ्रैंक्स रशिया को पे करने पड़ते हैं जो कि वो पहले फ्रांस को पे कर रहे थे। दूसरा फायदा, इकोनॉमिक कंट्रोल। सो रशिया यहां पर कुछ ऐसी फितरत दिखा रहा है कि एक बार उन अफ्रीकन देशों में तख्ता पलट हो जाए तो वैगनर ग्रुप उनके मिनरल रिसोर्सेस को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, और जैसे पहले वो मिनरल्स फ्रांस अपने देश भेजा करता था, अब वो मिनरल्स रशिया भेजा जाता है। जैसे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश के ये एनसीमा गोल्ड माइन में पहले फ्रांस का कंट्रोल हुआ करता था, बट अब वैगनर ने उन्हें टेक ओवर कर लिया है और इन माइंस का सारा सोना भी ये लोग डायरेक्टली मॉस्को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे इन्हें सालाना सिर्फ इस एक माइन से $2.7 billion का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि US इतना पावरफुल होने के बाद भी आज तक ऐसा नहीं कर पाया। इनफैक्ट इन रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करने में तो रशियंस फ्रांस से भी एक कदम आगे निकल गए। वो तो अफ्रीकन कंट्रीज के टिम्बर को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। रशिया अफ्रीका के फेमस वर्जिन रेडवुड को स्मगल कर रहा है, जिसके बस 1 फीट की वैल्यू लगभग 2,20,000 रुपए है, यानी कि सोने की कीमत से भी कई गुना ज्यादा, जो अब तक फ्रांस ने भी टैप नहीं किया था। अब इसके अलावा मैंने डायमंड, यूरेनियम और ऑयल जैसे मिनरल्स के इनकम को तो गिनती में भी नहीं लिया, क्योंकि इनका एक्सप्लॉयटेशन तो इन कॉलोनाइजर्स का एकदम स्टेपल है, हमेशा चालू ही रहता है। अब रशिया को जो तीसरा बेनिफिट मिल रहा है वो है जियोपॉलिटिकल लेवल पर। बेसिकली रशिया इन अफ्रीकन कंट्रीज को एक नए पावर पोल की तरह खड़ा कर रहा है। वो चाहता है कि उन देशों में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कम हो और उस पूरे कॉन्टिनेंट में एक प्रो रशियन वेव क्रिएट हो। इसका इंपैक्ट ये होगा कि UN जैसे इतने बड़े इंटरनेशनल फोरम में, जहां अफ्रीकन कंट्रीज का वोट शेयर 28% है, वो पूरा इनडायरेक्टली रशिया के फेवर में चला जाएगा। इसका रिसेंट एग्जाम्पल हमें यूक्रेन वॉर में भी देखने को मिला था, जब कई अफ्रीकन कंट्रीज ने ये सब देखते हुए भी रशियन इन्वेजन को कंडेम तक नहीं किया। अब जरा एक मिनट यहां पर थोड़ा रुकते हैं। हम तो ये समझ रहे थे ना कि व्हाई इज फ्रांस सडनली प्रिपेयरिंग फॉर वॉर विद रशिया। सो अब इस पूरे मुद्दे को अगर फ्रांस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसका तो सिर्फ लॉस ही लॉस हो रहा है। आज फ्रांस और बहुत से यूरोपियन कंट्रीज मेजर इकोनॉमिक स्लोडाउन और इंटरनल क्राइसिस फेस कर रहे हैं, और इसीलिए एट फर्स्ट ग्लांस आपको डेफिनेटली लगेगा कि फ्रांस तो रशिया से वॉर करना चाहेगा।
क्योंकि उसके पास तो एकदम क्लियर मोटिव है, क्योंकि फ्रांस की फंडिंग का मेजर सोर्स तो रशिया डिस्ट्रॉय कर रहा है। सो डेफिनेटली ये फ्रांस के इकोनॉमिकल और नेशनल इंटरेस्ट को एक बहुत बड़ा थ्रेट है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और छुपी बात जो आज भी बहुत सारे लोगों के सामने नहीं आ पाई है, वो ये है कि नेशनल इंटरेस्ट से भी बहुत बड़ा थ्रेट आ चुका है आज मैक्रॉन के पॉलिटिकल करियर पर। सो इस मैटर के पीछे एक और एक सच्चाई ये है कि मैक्रॉन ने जो ये वॉर का मुद्दा उठाया है, उनके एक्शंस नेशनल इंटरेस्ट को जस्टिफाई करते हुए जरूर लग रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़ा ड्राइविंग फोर्स यहां पर उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। मैक्रॉन को ये अच्छी तरीके से मालूम है कि रशिया के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाना, रशिया को थ्रेट देना, बेसिकली एक स्ट्रांग लीडर की इमेज क्रिएट करने में उसकी पॉपुलैरिटी को बूस्ट करेगा। और बस इसीलिए मैक्रॉन ये बहुत अच्छे से जानता है कि फ्रांस की कैपेबिलिटी वॉर लड़ने की नहीं है। फ्रांस की जनता को, मैक्रॉन के खुद के पार्टी मेंबर्स को वॉर नहीं लड़ना है, लेकिन बार बार फिर भी वो अपनी दबंगगिरी दिखाते जा रहे हैं। सो चलो इस मैटर को थोड़ा और ऑब्जेक्टिविटी के साथ समझने के लिए मैक्रॉन के कुछ पॉलिसीज पर नजर डालते हैं जिस पर उन्हें मेजर बैकलैश मिला राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो मैक्रॉन ने आते ही इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए सिटीजनशिप पाने का प्रोसीजर इजी कर दिया था। नतीजा, आज वहां का पॉपुलेशन 10% इस्लामिक इमिग्रेंट से भर चुका है और फ्रांस के लोग इनके खिलाफ बेइंतहा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहां के किसानों की हालत भी कुछ खास ठीक नहीं है। 2023 की बात है, वहां के फार्मर्स हाई फार्मिंग कॉस्ट और इन्फ्लेशन की वजह से एक मेगा प्रोटेस्ट पर उतर आए थे। उसी दौरान रेलवे वर्कर्स तो इन्फ्लेशन के चलते स्ट्राइक पर भी चले गए थे, जिससे उनका पूरा रेलवे सिस्टम ही 10 दिनों के लिए ठप पड़ गया था। सो बेसिकली जनता फ्रांस में बढ़ रहे सीरियस इन्फ्लेशन को लेकर बहुत ही चिंतित है, जिस वजह से उनका भरोसा अपने लीडर से उतरता चला जा रहा है। एक लाइन में अगर फ्रांस की समस्या बताऊं तो जनता के मन में मैक्रॉन की पॉलिसीज को लेकर एक काफी नेगेटिव सेंटिमेंट डेवलप हो चुका है। लेकिन सरकार पर बन रहे प्रेशर को डाइवर्ट करने के लिए फ्रेंच प्रेसिडेंट बार बार वॉर का मुद्दा उठा रहे, जिससे वो ग्लोबली और अपनी जनता के आंखों में एक वॉर हीरो बन सके और 2 महीने बाद होने वाले इलेक्शंस को जीत सके। अब यहां पर मीडिया नैरेटिव्स को साइड में रखते हुए पर्सनली मेरे हिसाब से फ्रांस और रशिया का वॉर होने के चांसेस काफी कम है, क्योंकि अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो फ्रांस की जनता, फिर चाहे वो मैक्रॉन के पार्टी के ही मेंबर्स क्यों ना हो या फिर ऑपोजिशन पार्टी के, ऑल इन ऑल पूरी फ्रांस की जनता क्लियरली वॉर के अगेंस्ट है। वो तो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि इमैनुअल मैक्रॉन, आप खुद ही भाई अकेले वॉर लड़ने जाओ। अब देखो, पॉलिटिक्स की दुनिया ना ऐसे ही होती है, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए पार्टीज किसी भी हद तक जा सकती है। ये पूरा का पूरा गेम रशिया के चलाए हुए नैरेटिव का ही था, जो चीज शायद आज अफ्रीकन्स को नजर नहीं आ रही है कि फ्रांस से बचने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं रशिया के चंगुल में फंसते चले जा रहे हैं। रशिया भी उनकी मदद तब तक करेगा जब तक उसे उनकी मदद में अपना फायदा नजर आएगा, और ऐसा ही कुछ होता है रियल वर्ल्ड में। लेकिन आपके सामने हमेशा सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव आता है। फॉर एग्जांपल, आपके सामने अगर सिर्फ फ्रांस का पर्सपेक्टिव आता तो आपके हिसाब से रशिया विलन होता, और अगर आपके सामने रशिया का पर्सपेक्टिव आता तो आपके सामने फ्रांस विलन होता। और अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में, खैर अफ्रीका के साथ तो गलत हो ही रहा है, लेकिन अफ्रीका भी कुछ कंट्रीज का साथ चाह रहा है, जो कंट्रीज अफ्रीका को डेवलप करने में मदद करे, और उसी साथ के लिए अफ्रीका भी उन कंट्रीज को एक्सेप्ट करने के लिए ओपन हो जाता है। सो होपफुली इस मुद्दे पे आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव मिल गया, और हमारी यही कोशिश है गौरव ठाकुर चैनल पर कि हम एक मुद्दे को जितने हो सके उतने पर्सपेक्टिव से दिखाए, ताकि एकदम न्यूट्रल वीडियो बने और ना कि हम किसी पर्टिकुलर साइड की तरफदारी करें, बिकॉज हमारा गोल है इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाना और सच्चाई की खोज करना, ना कि एक पर्टिकुलर साइड को सपोर्ट करना। सो आपके हिसाब से अब कौन सही है यहाँ पे और कौन गलत, अपने ओपिनियंस को नीचे कमेंट्स में लिखना। आई वुड लव टू नो दैट। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को आगे भी देखने के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू चेक आउट नेक्स्ट लेवल, साइन अप करो, क्योंकि यहाँ AI फीचर्स के थ्रू आपकी विजिबिलिटी टू रिक्रूटर 10x बढ़ सकती है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।